हेलो दोस्तों, रेखा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगा और कम तेल में और घर के ही सामान से बना के हम इसे तैयार करेंगे। अगर आपको मेरा ये बनाने का तरीका पसंद आए तो आप इसे एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऑर्गेनो है और ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चम्मच, एक हरी मिर्च है कटी हुई और कुछ धनिया है, और ये आधी कटोरी से भी कम सूजी रवा है। ये मोटी वाली है, अगर आपके पास पतली वाली या मोटी वाली कोई भी हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और ये एक कटोरी गेहूं का आटा है, दो आलू हैं और एक प्याज है। आप अगर चाहें तो और भी सब्जियां इसमें मिला सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करेंगे और प्याज को बारीक काटेंगे। ये आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये रवा भी हम इसमें साथ में डाल देंगे और साथ ही ये गेहूं का आटा है इसको भी हम साथ में मिक्स कर देंगे और प्याज। और ये मसाले हैं इनको भी हम सब साथ में मिक्स कर देंगे। ये आधा चम्मच नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और जितनी आप चीज़ बना रहे हो उसके हिसाब से माप। और ये आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर है ये, जो हम केक वगैरह में डालते हैं ये वही है, इसको भी हम साथ में मिक्स कर देंगे। और सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इनका ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला घोल बना के तैयार करेंगे हम। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिलाते जाएंगे इसको। हमारा ये घोल बन के तैयार हो गया है, ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे और 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे, जब तक हम अपनी नारियल की चटनी बना के तैयार करें। चटनी के लिए ये दो हमने हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है हमने, और 4-5 कली लहसुन की है, और थोड़े से ये कड़ी पत्ते हैं, और नारियल है। आप इसकी जगह पर मूंगफली की भी चटनी बना सकते हैं, अगर नारियल ना हो तो आप मूंगफली की भी चटनी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और पानी डाल के एक इसका अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये नमक हमने डाला है इसमें, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसे पीसेंगे। हमने गैस पर ये पैन चढ़ा दिया है और एक कपड़ा या ब्रश की सहायता से इस पर हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे, और तवे को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म ही रखना है। और जो हमने मिश्रण बना के रखा था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके अब इस तरह से फैलाएंगे। ये ज़्यादा पतला नहीं फैलेगा क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह और आलू भी डाले हैं, तो ये हल्का मोटा ही रहेगा पर खाने में बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। अब हम इसे एक तरफ से सिक जाने देंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसे पलट के दूसरी तरफ सेकेंगे। नीचे से हमारा ये सीख चुका है, अब हम इसको पलटेंगे और पलट के हम इसकी दूसरी साइड भी सेक जाएंगे। ये एक तरफ से कम सेक पाया था, कच्चा सा दिख रहा है, हमने इसकी गैस की पूरी तरफ आँच नहीं लग रही है, हमने इसको पहले ही पलट दिया तो ये सीख नहीं पाया। ये हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे
इसी तरह हम सारे अपने नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। ये हमारा एक साइड से सिक गया है और हमें से पलट के दूसरी तरफ भी सिक चाहिए। ये हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये इस तरफ से भी सिक गया है और इस तरफ से भी, अब हम इसे निकाल लेंगे। निकाल के प्लेट में हम रख लेंगे और बाकी के भी हम इसी तरह सेक के तैयार करेंगे। हमने नारियल की चटनी बना के रख ली है, उसमें तड़के के लिए हमने एक छोटी कढ़ाई गैस पे रखी है, उसको गर्म करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम दो साबुत लाल मिर्च डालेंगे और कुछ सरसों के दाने हैं, थोड़ी सी उड़द की दाल है, कड़ी पत्ते हैं और तड़का भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और जो चटनी हमने बनाई थी उसमें हम अपने तड़के डालेंगे। हमारी बढ़िया नारियल की चटनी बनके तैयार हो गई है, अब हम अपने नाश्ते के साथ इसे सर्व करेंगे। सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरे बनके तैयार हुए हैं। देखिए, आप इन्हें चाहे नारियल की चटनी या फिर हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये नाश्ता बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।